हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास फिफ्थ की मैथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 1, द फिश टेल। जैसे कि आपको पता है, हम हर चैप्टर को पेजेस में डिवाइड करके करते हैं, तो ऐसे ही हम इस चैप्टर को भी पेज में डिवाइड करेंगे और वो पेज रहेंगे आपके पार्ट वाइज। जैसे आज के पार्ट में रहेंगे आपके फर्स्ट 3 पेजेस, ऐसे ही इसी चैप्टर के नेक्स्ट 2-3 पेजेस इस तरह से चलते जाएंगे। एंड अगर आपको किसी और पेज पे जाना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, जो भी पेज को आपने रीड करना है, समझना है, आप उस पेज नंबर पे क्लिक करके उसकी वीडियो चेक कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम करेंगे इस चैप्टर का पेज 1, 2 एंड 3। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स विथ पेज नंबर 1 ऑफ योर बुक्स एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। एंड गाइज, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी न्यू नोटिफिकेशन या न्यू वीडियो इस चैनल पे आती है, अपलोड होती है, तो आपको उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आती रहे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके चैप्टर का नेम है द फिश टेल। डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। तो देखो, यहाँ बताया गया है कि डीप अंडर द सी मतलब जो समुंदर है, जो सी है, उसकी बहुत डीप एक बहुत प्यारी सी फिश पीसफुली मतलब शांति से स्विमिंग कर रही है। दिस स्पेशल पोइम इज 3 लाइन्स इज कॉल्ड हाइकू। तो ये देखो, 3 लाइन की पोइम है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। तो ऐसे जो 3 लाइन की पोइम्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइकू। तो मतलब ये एक हमें एक हाइकू गिवन है। सच पोइम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। हियर इज अनदर हाइकू। तो हाइकू एक तो हमने ये पढ़ लिया, एक हाइकू और दिया हुआ है। द लेक कम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। तो ये सिंपल सी एक नेचर के लिए पॉइंट लिखी गई है कि जो हमारी फिश है, जो लेक है, सबसे पहले काम स्मूथ स्टिल है एक साइड पे, मतलब लेक जो होता है ऐसे खड़ा है, बट जैसे ही जो फिश है वो एकदम से बाहर आती है पानी से और दोबारा पानी में जंप कर जाती है, तब जो हमारा लेक है वो रिम्पल शेक करने लग जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, इस तरह से आप जैसे पानी में एक स्टिल वाटर में जब पत्थर फेंकते हो तो वो पानी क्या होता है, इस तरह से वो शेकिंग करने लग जाता है। उसी तरह से इस हाइकू में लिखा गया है, मतलब इस 3 लाइन वाली पॉइंट में लिखा गया है कि जैसे जो फिश है वो बाहर आके एकदम से पानी के अंदर जाती है, तब जो लेक है उसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है। सो डू यू नो एनी पोइम अबाउट फिश। तो ऐसे क्या आपको भी कोई पोइम आती है फिश की, अगर आती है तो आप लिख सकते हो। जैसे एक बहुत पॉपुलर हिंदी पोइम है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो तैर जाएगी। सो ये छोटी सी एक पोइम है, आप ये लिख सकते हो। अदरवाइज एक इंग्लिश में भी फिश की पोइम है, 1, 2, 3, 4, 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, 6, 7, 8, 9, 10 देन आई लेट इट टू गो अगेन, व्हाई डिड यू लेट इट गो, बिकॉज इट बिट माय फिंगर, सो Which finger did it by? This little finger on the right. So इस तरह की आप पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपको कोई और भी आती है फिश से रिलेटेड तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। Next is, here are some drawings made by the children. When you think of a fish, what shape come to your mind? तो देखो, ये जो फिशेज की ड्राइंग है ये कुछ बच्चों ने बनाई है। जैसे ही आप फिश के बारे में सोचते हो, जैसे देखो ये माया है क्लास 4th की, उसने फिश की ड्राइंग बनाई है, आपके दिमाग में कौन सी शेप आती है? तो हमारे दिमाग में आता है कि फिश लीफ शेप की होती है, लाइक दिस, है ना, ऐसी ही होती है। या हम देखते हैं कि स्क्वायर शेप किस तरह की फिश हो सकती है, मतलब बहुत टाइप्स की फिश होती है, मेनली फिश कौन सी शेप की होती है, इस तरह की लीफ शेप की। ठीक है, ट्राई टू यूज स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। तो देखो, स्क्वायर से हम कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम आगे एक स्क्वायर बनाएंगे, मतलब उसकी जो बॉडी है फिश की, और पीछे हम उसकी टेल बनाएंगे, ये हो गई हमारी स्क्वायर फिश। ऐसे ट्राइंगुलर फिश कैसे बनेगी, लाइक दिस, है ना। तो आपको बस ये फन एक एक्टिविटी करनी है, आपको स्क्वायर एंड ट्राइंगल से फिशेज बनाने। देखो, सर्कल से बनाई है, यहाँ ओवल से, दिस इज रेक्टेंगुलर। ठीक है, व्हेन आई थिंक ऑफ फिश, ट्राइंगल रॉम्बस शेप्स कम टू माई माइंड एंड ऑल्सो सर्कुलर। तो ये एक फिश हो गई यूजिंग स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ये हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो इस स्क्वायर को थोड़ा सा हमने टेढ़ा करके बनाया, वो उसका बन गया फिश का फेस, ये हो गई आई, और यहाँ पे हमने उसकी ट्राइंगल शो कर दी, जो क्या बन गई उस फिश की टेल।
ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ और भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। ये हो गया स्क्वायर और ये हो गई हमारी फिश। ठीक है, वैसे इस तरह की फिश कम देखने को मिलती है, बट आप इस तरह की अपनी क्रिएटिविटी से फिश की ड्राइंग कर सकते हो। अब चलते हैं हम पेज नंबर 2 पे। लुक एट फिश डिज़ाइन अराउंड यू ऑन क्लॉथ पेंटिंग्स ऑन मैट। तो आप फिश के डिज़ाइन देख सकते हो, जैसे देखो ये लड़की दिखाई गई है, इसकी फ्रॉक पे फिशेस बनी हुई हैं, मतलब ये डिज़ाइन है। इसने नेकलेस पहना हुआ है, उस पर भी फिश है। ईयरिंग्स पहने हुए हैं, उस पर भी फिश बनी हुई है। एंड इसने यहाँ नोज में कुछ पहना हुआ है, उसमें भी फिश बनी हुई है। प्लस इसकी जो आई है उसकी शेप भी क्या है बच्चे, फिश जैसी है। मीन, मीन मीन्स अ फिश, तो फिश को और क्या बोल सकते हैं हम, मीन। एंड इस गर्ल का नेम क्या है, मीनाक्षी। मीन मतलब फिश, अक्षी मीनाक्षी। ये वो गर्ल है जिसकी आईज फिश की तरह दिखती हैं। आप देख सकते हो ना यहाँ पे इस गर्ल की आई कैसी है, इस तरह से फिश की तरह बनी हुई है, लाइक दिस। ओके, कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज, तो क्या आप किसी को जानते हो जो फिश आई की तरह हो। तो देखो यहाँ पे कैट बनाई है मैंने, कैट की आईज भी फिश की तरह है, लाइक दिस। ठीक है, सो ये जस्ट एक फन एक्टिविटी है। वैसे आईज ऐसे होती नहीं है फिश वाली, ठीक है, ये जस्ट शेप होती है लाइक दिस। किसी किसी की आंख ऐसी होती है ना, तो हम उसको बोल देते हैं कि फिश आई है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक फेस ड्रॉ करना था फिश आई के साथ, हमने वो सिंपल सा कर दिया। नेक्स्ट इज फिशेज कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेज। फिश बहुत साइजेज की होती है, कोई फिश बहुत छोटी होती है, कोई फिश बहुत बड़ी होती है। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। तो आई होप स्केल आप सबने देखा होगा, स्केल कैसा होता है, लाइक दिस। यहाँ होता है 1, 2, 3, इस तरह से होता है ना। तो कहते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट फिश है, सबसे छोटी फिश है, वो कितनी है, ओनली 1 सेंटीमीटर की। मतलब कितनी सी हो गई वो फिश, इतनी सी बस, ये 1 सेंटीमीटर की फिश हो गई। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो कहते हैं कि आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सबसे बिगेस्ट फिश है, मतलब जो हमारी व्हेल शार्क है, वो कितने की होगी। सो देखो बिगेस्ट फिश तो कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है, 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है, क्योंकि छोटी सी तो बहुत बड़ी होगी वो, 200, 500। ठीक है, सो हमें जस्ट एक गैस लगाना है, इमेजिन करना है, तो हम अपनी गैस के हिसाब से यह 100 लिख देते हैं। नाउ हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर फिश देन द स्मॉलर फिश। तो स्मॉलर फिश कितने की थी हमारी, 1 सेंटीमीटर की। एंड बिगर फिश कितने की हमने एस्टिमेट लगाई है, गैस लगाई है, 100 सेंटीमीटर की। सो ये कितने टाइम्स बड़ी होगी बच्चे, 100 टाइम्स, मतलब छोटी से 100 टाइम। छोटी फिशेज को अगर 100 में ऐसे कलेक्ट करके रखूँगी, तब मेरी क्या बनेगी, एक बड़ी फिश। समझ आया। नेक्स्ट, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। देखो यहाँ बता रखा है हमें कि जो हमारी जो बिगेस्ट फिश है वो कौन है, व्हेल। इट इज एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट, जस्ट वेट अ मिनट, ओके, इज अ बिग बिग फिश। तो कहते हैं एक्चुअली में वो व्हेल नहीं है, वो बहुत बिग, बहुत ही ज्यादा बड़ी फिश है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश, वो फिश से थोड़ी डिफरेंट होती है। व्हेल ब्रीथ लाइक वी ब्रीथ, जो देखो अब जो फिश है वो तो पानी में ब्रीथ करती है, बट जो व्हेल है वो हमारी तरह लंग्स से ही ब्रीथ करती है विद देयर नोज। बट फिश हैज़ नो नोज, फिश के नोज नहीं होता। फिश के पास क्या होते हैं बच्चे, गिल्स, जो पानी में ही ब्रीथ करते हैं। बट व्हेल के पास क्या होता है, नोज, जैसे हमारा है। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज बट फिश ले एग्स। जो फिश है वो क्या देती है बच्चे, एग देती है। बट जो व्हेल है वो हमारी ही तरह, जैसे हमारे होते हैं ह्यूमन बेबीज को बर्थ देते हैं, वैसे ही जो व्हेल है वो बेबी को बर्थ देती है। द व्हेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस बट इज क्वाइट हार्मलेस, इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। वन व्हेल कितने लंबी होगी, 18 मीटर। तो देखो कितना लंबा हो गया, देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर। सो 18 मीटर, 18 मीटर मतलब कितना हो गया ये, कितने सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। मैंने पहले ऑपोजिट लिख दिया था, ओके। 18 मीटर में कितने हो गए, 18 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 सेंटीमीटर। देखो छोटी फिश कितनी बड़ी हो गई, ये देखो कितनी बड़ी है, ये सारी की सारी क्या है हमारी, व्हेल। और ये छोटी सी फिश इसके सामने कितनी छोटी लग रही है ना। सो वन व्हेल शार्क इज एज लॉन्ग एज 18 मीटर।
Just think how long is almost about 12 children of your size standing on one on the टॉप जैसे यहाँ दिखाए गए हैं, कहते हैं अगर हम इस तरह से 12 बच्चे 1 2 3 4 एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दें, कितने बच्चे 12 बच्चे, तब जाके वो शेप की शार्क के साइज के बनेंगे। जैसे देखो ये 12 बच्चे हो गए, सपोज करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये 12 बच्चे इस तरह से आपने एक के ऊपर एक खड़े कर दिए जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो जाके जो एक वेल है, एक शार्क है, उसकी हाइट बनेगी। ठीक है, वेल मच मोर देन, अब उसका वेट भी देखो कितना ज़्यादा है, 16,000 kg। हमारा एक बच्चे का वेट कितना होता है, 20 से लेकर 30 kg तक, बट एक पूरी की पूरी वेल का वेट कितना है, 16,000 kg। सो कितना ज़्यादा हो गया ये वेट, है ना। सो ये था हमारा पेज नंबर 2, जिसमें हमने देखा कि स्मॉल फिश एंड बिग फिश में क्या डिफरेंस है, फिश एंड वेल में क्या डिफरेंस है। फिश के पास क्या होते हैं बच्चे, गिल्स, बट वेल के पास क्या है, नोज। फिश एग देती है एंड वेल बेबी को बर्थ देती है। ओके, अब चलते हैं पेज नंबर 3 पे, जो आज की क्लास का लास्ट पेज है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है हमें, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम डू यू वेट। तो आपका वेट पूछा है इन्होंने, तो आप अपना लिखोगे, आपका जितना भी वेट है। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 35 kg। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखोगे, अगर आप 30 kg के हो तो आप यहाँ पे 30 लिखोगे, अगर आप 20 के हो तो आप यहाँ पे 20 kg लिखोगे। नेक्स्ट, सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट। अब देखो वन बच्चे का 35 kg वेट है, तो अगर आपके जैसे मैं 12 बच्चे कर दूं तो कितना वेट हो जाएगा, ध्यान से सुनो। वन चाइल्ड का वेट है हमारे पास 35 kg, और कितने बच्चे चाहिए हमें, 12। सो 12 चाइल्ड का वेट क्या करेंगे हम, 35 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लाइक दिस। ओके, 2 5s are 10, 1 will be carry, 2 3s are 6 plus 1 7, 5 1s are 5, 3 1s are 3, अब इन दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड। 7 8 9 10 11 12, 1 will be carry, this will equal to 420 kg। ठीक है, नाउ अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टूगेदर। तो वो पूछ रही हैं कि और कितना वेट चाहिए ताकि वो वेल शार्क के इक्वल आ जाए। अब वेल शार्क का वेट कितना था, 16,000 kg। देखो पिछले पेज पे हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे आ जाओ, 16,000 kg। तो हम लिखेंगे कि वेल का तो जो वेट है मैम, दैट इज 16,000 kg, बट हम 12 बच्चों का वेट कितना है, 420 kg। कितना कम है, माइनस करके निकाल लेंगे कि अभी हमें और कितने बच्चों का वेट चाहिए वो वेल के इक्वल आ जाए। इसको माइनस करो, 0 माइनस 0 0, इसको करना पड़ेगा हमें बोरो, सो इट विल बी 5, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 5 5 एंड 1। सो अभी हमें 15580 kg वेट और चाहिए ताकि वो एक शार्क के एक वेल के इक्वल आ जाए। समझ आया। अब आप इसको नोट डाउन कैसे करोगे अपनी नोटबुक्स में, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप लिखोगे माय वेट इज अबाउट 35 kg। नाउ 12 चिल्ड्रन का वेट, वेट ऑफ वन चिल्ड्रन 35 हमने अभी लिखा, सो वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 420 kg। ठीक है, सो अभी हमें वेल का बताना है कि वेल के वेट के इक्वल करने के लिए कितना वेट और चाहिए। सो ध्यान से सुनो, यहाँ हम करेंगे वेट ऑफ वेल शार्क, ये गिवन है हमें, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन ये हमने अभी निकाला, तो और कितना चाहिए, दोनों को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो माइनस करके आ गया 15580, मतलब 15,580 kg मोर वेट चाहिए हमें ताकि वो शार्क के वेट के इक्वल आ जाए। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पे नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, द फिश टेल। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल। तो कहते हैं अगर आपको वेल एंड फिश में डिफरेंस करना है कि कौन सी फिश है कौन सी वेल है, तो हम उनके टेल देखते हैं। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड्स फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी, बट द टेल ऑफ वेल ऑलमोस्ट लुक्स टू लेग्स। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। तो देखो इस पिक्चर में आपको फिश बतानी है कौन सी है। सबसे पहले देखो, जो ये फिश है उसके टेल बॉडी के साथ ही है, बट जो वेल है उसकी ये टू लेग्स लग रही है। सो हम लिख देंगे, इसको सर्कल कर देंगे, दैट दिस इज फिश इन द गिवन डायग्राम। तो इस जो गिवन पिक्चर है उसमें फिश कौन सी है जिसकी टेल बिल्कुल स्ट्रेट है। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश। अब देखो आपका भी स्कूल है, आप स्कूल में पढ़ने आते, तो अभी फिश का स्कूल क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनो।
Fish like to swim together in the sea in the big group called schools of fish. तो ये school क्या है? एक पूरी fish का group. जब fishes इस तरह से group में, मतलब झुंड में swimming करती हैं, तो उस group को क्या कहा जाता है बच्चे? School of fish. Okay? Is their school? They feel in their school they feel safe from the bigger fish. तो वो कहते हैं अगर वो इस तरह से ग्रुप में स्विमिंग करते हैं तो बड़ी बड़ी फिश से वो सेफ रहते हैं, क्योंकि अगर वो अकेली अकेली घूमेंगी तो बड़ी फिश उनको खा जाएगी. अगर वो ग्रुप में होंगी तो उनको सेफ्टी रहती है, वो ग्रुप में अपने आप को सेफ समझती हैं. ठीक है, और ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्कूल्स ऑफ फिश. ठीक है, सिंपल सा था. तो आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट हुआ इन तीनों पेजेस में, आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. कल हम करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पेजेस, पेज नंबर 4, 5 and 6. So I will see you soon in that video. Till then, take care and bye-bye.